केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 7 और राज्यों की 200 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ने का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। अब देश भर में ई नाम से जुड़ी मंडियों की संख्या 785 हो गई है, जल्द ही ये संख्या 1000 होगी। ई नाम प्लेटफॉर्म बनाया था और इसका काफी सार्थक उपयोग संपूर्ण देश में ई कृषि व्यापार में हुआ। इस प्लेटफॉर्म से अभी तक 585 मंडियां जुड़ी थी, 1000 मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य था। आज दूसरे चरण में 200 मंडियां जुड़ रही हैं। कुल मिलाके अब इनाम प्लेटफॉर्म से 785 मंडियां जुड़ गई हैं। आज इस अवसर पर, इस प्लेटफॉर्म पर लॉन्चिंग के अवसर पर व्यापार भी हुआ और इस मौके पर अनेक राज्य वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहे। पिछले दिनों जब 585 मंडियां इनाम प्लेटफॉर्म पर थी तब 1,00,000 करोड़ से अधिक का व्यापार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ। 1,66,00,000 किसान और 1,28,00,000 व्यापारी इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं। इसका पूर्व में भी काफी फायदा हुआ है और आज जब 200 मंडियां और जोड़ रहे हैं तो अनेक राज्य तो ऐसे हो गए हैं जिनकी संख्या ईनाम मंडी की 100 से ऊपर पहुंच गई है। राज्यों की संख्या भी बढ़ी है और मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में अब ये 785 मंडियां तेजी के साथ काम करेगी और इस प्लेटफॉर्म के उद्देश्य को सफल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, भोपाल।